It's day 54 and I am feeling leaner. सिर्फ एक हफ्ते वर्कआउट करने से ही मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा लीन हो गया हूँ. 21 डेज और बचे हैं. आज मैं करूँगा पुल वर्कआउट और उसके अंदर क्या होगा, लेट्स सी दैट. सबसे पहले मैं करूँगा 100 पुलअप जो अपने आप में काफ़ी इंटेंस वर्कआउट होगी. देन 10 मिनट का डंबल से बैक वर्कआउट एंड उसके बाद 10 मिनट से डंबल का बाइसेप वर्कआउट. Sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. So yeah, salad is kind of like a chole hain. चने हैं, टमाटर, खीरा, प्याज, ये सब मैंने डाल दिया. अभी नमक कुछ नहीं डाला है, वो मैं डालूंगा एक एक करके. ये नमक मिक्सचर है कुछ नमक का, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था. तो नहीं, ये वाइट वाला नमक. इसके बाद वाइट वाला नमक, ये भी थोड़ा डालूंगा. काली मिर्च, ब्लैक पेपर, एक किचन मसाला करके आता है, ये डालूंगा. जैसा कन्वीनियंट लगेगा वैसा करूँगा. With all I've been through, I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit. शाम में मैं वर्कआउट कर रहा था. एक टास्क पूरा हो चुका है, वो है साइकिलिंग का. साइकिलिंग के बाद तीन चीज़ें, आपको पता है मैं फैट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तीन चीज़ें मैं और करूँगा. तो 10 मिनट की एब्स की वर्कआउट, फिर उसके बाद 10 मिनट की कार्डियो, एंड देन 10 मिनट आप कुछ भी कैलिस्थेनिक्स की स्किल प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं हैंड स्टैंड एंड एल सेट प्रैक्टिस करूँगा. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. All right, I have just finished this book, जो लास्ट में चैप्टर था एज से रिलेटेड, कि कैसे हम एज बढ़ने के साथ साथ भी यंग रह सकते हैं. एक्चुअली ऑब्वियसली आप फिजिकली यंग नहीं रह सकते, बट मेंटली आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं. और ये जो थिंकिंग है कि मैं वीक होता जा रहा हूँ या मैं चीज़ें कंडीशन वर्स होती जाएंगी, ये सिचुएशन ज़्यादा बुरी कर देती है. असलियत में आप और इम्प्रूव हो सकते हो. इनफैक्ट इसमें तो एग्जाम्पल दे रखे थे ऐसे बहुत सारे फेमस लोगों के जिन्हें सक्सेस ही 80s में या 80s के बाद मिली है. सो कई लोग बोलते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद तो ज़्यादा ज़िंदगी बची नहीं है, क्या करना है. बट आफ्टर रिटायरमेंट, जो मतलब बेसिकली आई थिंक 60 होता है, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का वो टाइम जी सकते हो और उतना इन्जॉय कर सकते हो जितना आपने पहले कभी ना किया हो. और वैसे मुझे पता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो रिटायरमेंट से तो बहुत ही छोटे हैं, तो क्यों ना आप इन चीज़ों को अभी से ही फॉलो करें. और ये बुक मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो थोड़ा चाहता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, या उसका जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा वीक है, बार इसको पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको काफ़ी काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी. इनफैक्ट ये बुक वैसे रिलीजियस नहीं है, पहले ही बता दूँ, बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है. क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो चीज़ें हम अक्सर गॉड को लेकर बोलते हैं वो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड उसकी जगह ले लेता है. अब गॉड सही है या सबकॉन्शियस माइंड सही है या जो भी सही है, एक चीज़ तो पक्की बात है कि जो फेथ है, जो मैं मानता हूँ जो फेथ है, वो आपको बहुत सारे ऐसे काम करवा सकता है जो बिना फेथ के
इम्पॉसिबल से लगते हैं। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिलीफ मेरे हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो भगवान पे हो या फिर अकॉर्डिंग टू दिस बुक सबकॉन्शियस माइंड पे हो, ये बुक आपको बिल्कुल पसंद आएगी। बाकी जैसा मैंने बोला है कि मेरा 75 हार्ट हो जाए उसके बाद तो मैं किताबों के रिव्यू और इम्पॉर्टेंट लेसन को अच्छे से प्रेजेंट करूँगा। अभी मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि व्लॉग के साथ साथ अगर मैं बुक का रिव्यू देने लग जाऊँगा तो काफ़ी लगता है कि आउट ऑफ ट्रैक चले जाऊँगा। बट हाँ, ये बुक मुझे अच्छी लगी। पहली बुक मैंने पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, जिसने वो भी बहुत अच्छी बुक थी। हैबिट्स के बारे में उसने काफ़ी सारी बातें बताई थी, कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपको इम्प्रूव कर सकती है, उसे तो लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। और साथ में ये बुक जो आपको फेथ के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और ग्रैटिट्यूड के बारे में और विजुअलाइजेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। और अब नेक्स्ट बुक कौन सी होगी वो हम देखते हैं कल, उसकी मैं अनपैकिंग करूँगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।